दोस्तों हम आपको एक बात बता देते हैं, अभी शो से एक ऐसी खबर आ रही है कि पत्रकार पोपटलाल की भी शादी होने वाली है। जी हाँ, बरसों का इंतजार अब खत्म होने वाला है और पत्रकार पोपटलाल की प्रतीक्षा भी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस शो में। मैं हूँ आपका दोस्त मनुमणि तिवारी और आप सभी का बहुत ज्यादा टाइम ना खींचते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टीवी सीरियल के बारे में जिसे पूरी दुनिया में जाना जाता है और भारत में हर वर्ग के लोग, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े, औरत हो या मर्द, हर कोई इसे बहुत पसंद करता आया है। आप गैस नहीं करना चाहेंगे कि ये शो कौन सा है? जी हाँ, आपने सही अंदाजा लगाया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इसे हर कोई पसंद करता आया है। एक वक्त तो ऐसा भी था कि हम लोग अपने सभी कामों को छोड़ छाड़ कर पूरे परिवार के साथ टीवी के सामने बैठ जाते थे और इस शो का आनंद लेते थे। और ये शो भी ऐसा शो था जिसे हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर इसलिए भी देख सकते थे क्योंकि इसमें कोई भी एडल्ट कॉमेडी या एडल्ट कंटेंट नहीं होता था। और बिना किसी एडल्ट कॉमेडी और कंटेंट को इस्तेमाल किए भी ये शो बहुत ही फेमस रहा है और बहुत सारे टीवी स्टार्स, बहुत सारे मूवी स्टार्स इस शो में अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए आते जाते रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस शो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग किरदार रहे हैं, जैसे डॉक्टर हाथी, दयाबेन, बापूजी, जेठालाल। जेठालाल एक ऐसे किरदार रहे हैं जिनकी पत्नी तो दयाबेन है पर वो बबीता जी पर फिदा रहते हैं, उन्हें इतना पसंद करते हैं कि उनकी एक एक सांस पर फिदा रहते हैं। उन्हें बबीता जी बहुत पसंद है और हम सभी को भी बबीता जी बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए आती हैं क्योंकि वो इस शो की शायद सबसे खूबसूरत किरदार हैं। बात अगर हम जेठालाल और बबीता जी की छोड़ दें तो इसी शो में एक और किरदार है पत्रकार पोपटलाल। पत्रकार पोपटलाल, जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर हो जाता है कि ये दुनिया हिला देने वाले पत्रकार हैं पेशे से, लेकिन अभी तक इनकी शादी नहीं हो पाई है। इन्होंने तमाम कोशिशें की हैं, हर लड़की के साथ ही अपनी जुगत भिड़ाने की कोशिश करते रहे हैं लेकिन अभी तक शादी कर पाने में सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको एक बात बता देते हैं, अभी शो से एक ऐसी खबर आ रही है कि पत्रकार पोपटलाल की भी शादी होने वाली है। जी हाँ, बरसों का इंतजार अब खत्म होने वाला है और पत्रकार पोपटलाल की प्रतीक्षा भी। एक प्रतीक्षा नाम के किरदार के साथ पोपटलाल की शादी होने वाली है, लेकिन देखना यह है कि क्या ये प्रतीक्षा पोपटलाल को और प्रतीक्षा करवाती है या उनसे शादी करके तुरंत घर बसा लेती है। पत्रकार पोपटलाल एक ऐसे किरदार रहे हैं जो हम सभी सिंगल लौंडों के आइडल रहे हैं। सिंगुलैरिटी के प्रतीक पत्रकार पोपटलाल एक ऐसा किरदार रहे हैं जो हमेशा से शादी का लड्डू खाने के लिए आतुर रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शादी वो लड्डू है जिसे जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता है वो खाने के लिए हमेशा ललचाते रहता है। ऐसा ही कुछ किरदार है पत्रकार पोपटलाल का। और खबरें तो कुछ ऐसी हैं कि पत्रकार पोपटलाल की जो वाइफ होने वाली हैं उनका नाम प्रतीक्षा है, वो बबीता जी से भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाली हैं। इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि दर्शक अब शायद बबीता जी को छोड़कर उन्हें अपना क्रश मानने लगे। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है, क्या पत्रकार पोपटलाल शादी कर पाएंगे और क्या प्रतीक्षा उनकी प्रतीक्षा को खत्म कर पाएगी। देखते हैं आगे इस शो में क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ रिपोर्टिंग यूथ पर। मैं हूं आपका दोस्त मनुमणि तिवारी। आपका दिन शुभ हो। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी पूरी खबरें, हर एक न्यूज़, जो जो वीडियोस हम बनाते हैं आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अभी तक के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।